देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। गुजरात में भारी बारिश की वजह से बानासकांठा का धानेरा पूरी तरह पानी में डूब गया। धानेरा में हालत इस खराब है कि यहां रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें, एयरफोर्स की 3 हेलीकॉप्टर और आर्मी की एक टीम को लगाया गया है। मानसून की इस बारिश में अब तक मरने वालों की तादाद 70 पहुंच चुकी है। सोमवार रात लगातार बारिश की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस बारिश से उत्तर गुजरात विशेषकर प्रभावित हुआ है। इस बीच प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना के चलते 100 से ज्यादा गांव को खाली करने का आदेश दे दिया है। धानेरा में बाढ़ ने एक ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। बता दें कि प्रशासन ने बीके जिले में अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया। वहीं मोरबी जिले में 950 लोगों को शिफ्ट किया गया। पाटन जिले से भी 9,790 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले के कंडिसौड़ में बारिश से एक मकान की छत गिरने से 11 साल की एक बालिका के दबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग से 9 किलोमीटर गौचर की ओर रतुड़ा में पुल का काम कर रहा एक मजदूर अलकनंदा नदी में गिरकर बह गया। दूसरी ओर राजस्थान के सिरोही और माउंट आबू में भारी बारिश के चलते इस पूरे इलाके में चारों ओर से पानी पानी हो गया है। बनास और सीपू दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दूसरी ओर असम में बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। असम में बाढ़ की वजह से 7 और मौतें हो गई हैं, जिससे असम में मरने वालों का आंकड़ा 61 के पार पहुंच गया है और 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। गुजरात सरकार ने 27 तारीख से शुरू होने वाली नर्मदा यात्रा और हेरिटेज वॉक कार्यक्रम भी बारिश के चलते टाल दिए हैं। पूजा के साथ अखिल, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।